सिंगरौली में कोयला ले जा रहे एक ट्रेलर ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया। नेताओं और प्रशासन की लापरवाही के चलते आए दिन यहां बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं। लोगों ने दुर्घटनाएं रोकने के लिए कई बार शासन और प्रशासन से कोयला ढोने वाले वाहनों के लिए अलग से सड़क बनाए जाने की मांग की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। सिंगरौली का कोयला पावर प्लांट लोगों के लिए मुसीबत का कारण बना हुआ है। यहाँ कोयला ढोने वाले बेकाबू ट्रेलर लोगों के लिए दैत्य बने हुए हैं। इन कोयला ढो रहे ट्रेलरों के लिए लगातार स्थानीय लोग अलग से सड़क बनाए जाने की मांग समय समय पर करते रहते हैं, लेकिन नेता शासन और प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। एक बार फिर तेज रफ्तार बेकाबू ट्रेलर ने बाइक सवार राजेंद्र साहू नामक युवक को कुचल दिया, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने रोड पर जाम कर दिया और कलेक्टर एसपी को बुलाने की मांग पर अड़ गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। कांग्रेस ने इस घटना की निंदा की और सड़क बनाए जाने की मांग की है। देखिए, 6 से 7 सालों में एक्सीडेंट द्वारा हो रही दुर्घटनाओं ने सिंगरौली के जीवन को अस्त व्यस्त करके रखा है। घर से आदमी नौकरी करने निकलता है, काम काज के लिए निकलता है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है कि हम घर पे लौटेंगे सही सलामत या नहीं। जो लगातार जब से ये प्राइवेट कंपनियां स्थापित हुई, चाहे वो एसआर हो चाहे वो हिंडालको हो, अपने निजी कोयला ढुलाने के लिए जो इनके वाहन लगते हैं उनके द्वारा लगातार मौत हो रही है। सबसे प्रमुख कारण ये है कि जो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सिंगरौली जिले की सड़कें अस्त व्यस्त हो चुकी हैं। हम मुख्य मार्ग से पूरी तरीके से वंचित हैं। रोज़ हम सुनते आ रहे हैं कि 1.5 साल में रोड बन जाएंगी, 1 साल में बन जाएंगी, 15 महीने में बन जाएंगी, लेकिन रोडों के स्थितियाँ बद से बदतर हैं। जब आदमी सड़क से निकलता है तो उसको समझ में नहीं आता कि एक तरफ खाई दूसरी तरफ गड्ढा, जाए तो जाए कहाँ, और तीसरी तरफ से ट्रक आ रहे हैं, तो ऐसे में दुर्घटनाएँ होना लाजिम है। सबसे बड़ा कारण यह है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं निजी कंपनियों को लाभ दिलाने के लिए, या यूँ कह लें कि शासन सत्ता सरकार निजी कंपनियों को लाभ दिलाने के लिए एक टेलर से लगातार जो कोयला ढोए जा रहे हैं, इसके कारण मौत हो रही है, इस पर कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। आए दिन मौत होती है और इस तरह से पुलिस और जनता के बीच में कहा सुनी झुमा झपटी होता है, मुआवजे की बात होती है, आई गई बात ले दे करके ख़त्म हो जाती है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।